नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी गौट और एक बार फिर हाजिर है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरों के साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले SBT न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बड़ी खबर आ रही है, हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में गुरुवार को कुएं में गिरा मोबाइल फोन निकालने उतरे एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने उतरे साथी की हालत बिगड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोपहर बाद पुलिस ने JCB की सहायता से बराबर में कुएं खोदकर मृतक का शव बाहर निकाला। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि आज सुबह 8 बजे राजाराम बाजीगर शौचालय में गया था और यहां उसका मोबाइल फोन कुएं में गिर गया। मोबाइल को निकालने के लिए जब राजाराम कुएं में उतरा तो जहरीली गैस के असर से बेहोश होकर वहीं गिर गया। श्रीगंगानगर जिले की सीमाओं पर जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में जारी अनुमति पर प्रवेश मिलेगा। दो दिन से जिले की सीमा को एकदम सील करने के बाद अनुमति होने के बावजूद नाकों पर पुलिस लोगों को प्रवेश नहीं दे रही थी। यह मामला जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते के पास पहुंचा तो उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में जारी अनुमति पर प्रवेश दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, श्रीगंगानगर पंजाब बॉर्डर सील कर देने से दो दिन से बॉर्डर पार स्थित जमीनों के किसानों को फसल कटाई के लिए भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों में आने की अनुमति का अधिकार गृह विभाग को देने पर जिला प्रशासन भी अब बेबस नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर में रहने वाले कुछ किसानों की जमीन पंजाब सीमा में स्थित है और वर्तमान में गेहूं की कटाई चल रही है। बॉर्डर सील करने पर इन किसानों को परेशानी आ रही है। बॉर्डर पार करके खेत में जाने की अनुमति लेना आज कई किसान ADM प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी के पास पहुंचे तो उन्होंने पंजाब राज्य में जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया पुलिस ने गुरुवार रात गश्त के दौरान 5.5 किलो पोस्ट जब्त किया। पुलिस को देख मौके से आरोपी पोस्ट छोड़कर भाग गया। पुलिस के अनुसार गुरुवार रात टीम गश्त कर रही थी और टीम को देखकर एक व्यक्ति हाथ में पकड़ा पैकेट सड़क पर फेंककर भाग गया। पुलिस ने पैकेट संभाला तो उसमें 5.5 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन उससे पहले आप SBT न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। राज्य सरकार के 2% की दर से कृषक कल्याण फीस लगाने के विरोध में शुक्रवार को भी श्रीगंगानगर नई धान मंडी के व्यापारियों ने जिंसों की खरीद नहीं की। इस कारण लगातार तीसरे दिन भी जिंसों की बोली नहीं लगी। केवल FCI ने गेहूं की सरकारी खरीद का काम ही जारी रखा। मंडी के व्यापारियों के अनुसार राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर 10 मई तक व्यापारी मंडियों में काम बंद रखेंगे। अब इस मामले में सोमवार को होने वाली बैठक में ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। हनुमानगढ़ जिले की भादरा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सड़क पर जुआ खेल रहे आरोपियों को नकदी सहित गिरफ्तार किया। पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल शुभम ने बताया कि गुरुवार रात गश्त के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देकर जगदीश प्रसाद जाट और महेश चंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4200 रुपये की रकम भी बरामद हुई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। श्रीगंगानगर में ऑड इवन फार्मूले के साथ खुल रहे बाजार में लगता है कि रौनक भी इसी फार्मूले पर चल रही है। गुरुवार को बाजार में उत्तरमुखी व पूर्वमुखी दुकानें खोली गई, लेकिन रौनक काफी कम रही। इसी व्यवस्था के तहत शुक्रवार को दक्षिणमुखी व पश्चिममुखी दुकानें खुली तो बाजार में चहल पहल कुछ अधिक रही। इसमें भी इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ज्यादा ग्राहक देखे गए। जी हाँ दोस्तों, मॉडिफाइड लॉकडाउन में ग्रीन जोन को मिली छूट के बीच राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भी यात्रियों की मांग के अनुसार बसों व रूट की संख्या बढ़ा रहा है। इसी के चलते श्रीगंगानगर आगार ने शुक्रवार को एक बस सादुल शहर मार्ग पर भी चला दी और इसके अलावा 4 बसें अनूपगढ़ मार्ग पर तथा सूरतगढ़ और श्रीकरणपुर मार्ग पर एक एक बस चलाई गई। श्रीगंगानगर आगार प्रबंधक मनोज कुमार बंसल ने बताया कि अनूपगढ़ डिपो की 2-2 बसें रावला, श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ मार्ग पर चलाई जा रही हैं। श्रीगंगानगर ग्रीन जोन में छूट का कुछ जगह नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है। इस कारण चौक चौराहों पर फिर से फल सब्जी विक्रेताओं के स्थायी अड्डे लगने लगे हैं। पिछले कुछ दिन से शिव चौक, दुर्गा मंदिर क्षेत्र, गांधीनगर के बाहर, वेलकम विहार के बाहर, गुप्तावाल भारती से विनोबा बस्ती की ओर जाने वाली रोड, सेतिया कॉलोनी मेन रोड, बसंती चौक, पदमपुर रोड पर बस स्टैंड के बाहर, आदर्श नगर पार्क, विनोबा बस्ती पार्क व नेहरू पार्क के पास सुबह से शाम तक एक साथ कई फल सब्जी की रेहड़ियां व दुकानें लगने लगी और इस पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही। इस बुलेटिन की अंतिम खबर श्रीगंगानगर से आ रही है।
श्रीगंगानगर में मॉडिफाइड लॉकडाउन के बीच शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश मेडिकल स्टोर पर लागू नहीं होते। पुलिस आवश्यक सेवाओं में आने वाले मेडिकल स्टोर को बंद नहीं करवा सकती। उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेश में दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की छूट है, लेकिन मेडिकल स्टोर इस दायरे में नहीं आते। मेडिकल स्टोर रात तक खोले जा सकते हैं और पुलिस इन्हें बंद नहीं करवा सकती। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ बड़ी खबरों को लेकर। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।